7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा, रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। आज हम एक ऐसी देवी माँ के दर्शन करवाएंगे जहाँ माँ को लगता है मदिरा पान का भोग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के समीप बीरमावल की, जहाँ पर एक रूंडी पर विराजमान माँ कालका मैया के मंदिर पर मदिरा पान का भोग लगता है। वहाँ पर दूर दराज से भक्त लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वो इनके दर्शन कर ले तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। आपको बता दें कि रतलाम जिले के इस पवित्र स्थान पर दूर दराज से नवरात्रि में लोग पहुँचते हैं। ऐसे राजस्थान, गुजरात, इंदौर, उज्जैन के जिलों से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी को मदिरा पान का भोग लगाते हैं। साथ ही साथ जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती है, वह महिला भी यहाँ पर आए तो उसको माता रानी के दरबार में अर्जी लगाकर संतान की प्राप्ति होती है। वहीं मंदिर पुजारी राजेश गोस्वामी का कहना है कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है और यहाँ पर जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती है, उस महिला को संतान प्राप्ति हो जाती है। वहीं मंदिर पुजारी राजेश गोस्वामी का कहना है कि यहाँ पर बड़े नवरात्रि और छोटे नवरात्रि में काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए विक्रम चंद्र बंसी की रिपोर्ट। नाम आपका? गुरु जी, इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है जो लोग इतने दूर दराज से यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं? पहले तो ये क्या है कि अति प्राचीन मंदिर है, पांडव कालीन पांडव ने इसकी स्थापना करी थी। और उसके बाद यह क्या है कि मन्नतें पूरी होती हैं लोगों की, जो मन्नतें बिल्कुल श्रद्धा से जो आदमी मांगता है उसकी मन्नत हाथों हाथ पूरी होती है, इसलिए इतना तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और यह बच्चों की मन्नतें ज़्यादा पूरी होती हैं, मतलब जिसके बच्चे बच्चे नहीं हो स्वस्थिक बना के न मन्नत ज़्यादा उनकी मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ। और माता जी को सुराब का भोग भी लगता है और अति प्राचीन और अति चमत्कारिक स्थान है। गुरु जी, यह मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? ये लगभग 5000 साल पुराना है। पांडव कालीन है, पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी, उन्होंने इसको इस टीले को भीम ने बनाया था और उन्होंने यहाँ माता जी की स्थापना करी, मंदिर को यहाँ विराजित किया, माता जी की मूर्ति को विराजित किया और लगभग ये 5000 साल पुराना होगा। हाँ गुरु जी, चैती नवरात्रि और अभी जो अभी कुंवर महीने की जो नवरात्रि रहती है, इसमें भक्तों का कैसे क्या तांता लगा? इस नवरात्रि में श्रद्धालुओं का भीड़ इसमें ज़्यादा रहती है, इसमें इतनी नहीं रह पाती है, मतलब वो उसमें ज़्यादा मानते हैं इसको लोग अपने इस नवरात्रि को घर में वगैरह। बाकी बड़ी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है तो उसमें भी आते हैं, उसमें मान मंदिर वाले ज़्यादा आते हैं, इसमें मतलब भक्त दर्शन वाले ज़्यादा।